साधु जी हसा करो, हसाया करो, बागेश्वर धाम अपने बाप का घर है, आया जाया करो। लिया हो ना समझ सारा है, उनका ही चरित्र निर्मल हुआ है। अच्छा रामचरित्र का मतलब क्या है सुनो, रामचरित्र राम की तरह होता है वही पूरी दुनिया में पूजा जाता है। और क्षमा करना आप लोग विद्वान हैं, लेकिन हम आप लोगों से प्रार्थना करेंगे, हम लोग रामायण जी को तो मानते हैं पर रामायण जी की नहीं मानते, राम जी को तो मानते हैं लेकिन राम जी की नहीं मानते, गुरु जी को मानते हैं लेकिन गुरु जी की नहीं मानते। यही जिंदगी में घाटा है, जिसने भी रामचरितमानस का आश्रय लिया है वो कभी फैल नहीं हुआ। राम का चरित्र इतना निर्मल है, क्या भैया माइक पेज कर दे, तोरे कक्का को मान लगे काम है तुम्हारी बोला आए क्या बगल में तो पेश था भैया बुरे जाए शाम सर्वे जी हो जाए। राम जी के जीवन से एक चीज सीखने योग्य है, किया रावण कहता लगती ही नहीं वह और हमारी, रावण कहता भैया अधिकार तो दूर की बात है वो तो हमारी तरफ देखती भी नहीं। तो कुंभकर्ण ने कहा रावण तुम तो माया भी हो, महात्मा बनकर तुमने जानकी जी का हरण कर लिया, तो राम रूपी परमात्मा बनकर तुम उन पर अधिकार भी कर सकते। तो रावण ने जो कहा वो बड़ा अद्भुत है और सीखने योग्य है। रावण ने कहा कुंभकर्ण हमने राम का रूप जैसे ही रखा तो दूसरी नारी लगी बात समान। राम को रूप लखते ही हमें पर नारी लगी मात सुनाई, दूसरी नारी राम के समान लगी। यही राम का चरित्र है, राम के चरित्र में जो आ जाता है उसे दूसरी माताएं भी मात समान लगती हैं। इसलिए हम प्रार्थना करेंगे रामचरितमानस को पढ़िए बूझिए गढ़िए, रामायण के आधार पर जिंदगी को जिए, निश्चित रूप से आपके जीवन में भी बदलाव होगा और हमारे समाज में भी बदलाव होगा, राष्ट्र में भी बदलाव होगा और भारत हिंदू राष्ट्र होगा। तो आप लोग बड़े भाग्यशाली हो, हम प्रवचन तो सुना दे आए नहीं है, तुम तो दिमाग खराब हुई है तुम्हारा, एक तो गुरु जी तुम 2 बजे आए ऊपर से प्रवचन ठोक गए, बच्चा बना हमारे बाप को ना बताओ तो तुम वो बैठे पंचा के चक्कर में, लेकिन कोई बात नहीं बैठे हो सो बैठो। और गुनाह को आदमी होता बड़ा खतरनाक है, आज हमने देखी इतनी मालाएं भरी हमें, अरे जय बजरंग बल, हमें तो लगा तो हे हनुमान जी सात कुशल पहुंच गई तो मैं पहुंच चुकी, अबे पराए घरे भी ना जो हाल है, इतनी मालाएं भरी जी को दाव लगे से बगल से पीछे से। हम चले जा रहे थे गाड़ी में खड़े थे, हम सबका प्रणाम कर रहे थे भैया जय 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 छोड़ दो पिंड में, लेकिन पीछे से एक माता जी ने ऐसी मिला के कान में उड़ी माला पटा, हम लोग एक बंदू का धनी के बाद हम देखी माला, और हमने कहा भैया भैया घुस लो गाड़ी में वापस, गुरु इतने नहीं चलने आया था। गम में वापस बैठे तो बड़ी मुश्किल से आए, लेकिन एक बात बोले गुनाह का पागलपन भी राम की भक्ति के लिए बहुत अद्भुत है। जो जोश राम के प्रति है यही जोश ऐसे ही बरकरार रखना, एक दिन आएगा भारत हिंदू राष्ट्र प्रसिद्ध होगा। हो जाते हैं आगे आगे हम अब कई लोग ऐसे होते हैं साथ में तो भाग ले आगे आगे चले गए गुरु जी लगे रहने, हम तुमसे प्रार्थना करेंगे जीवन बार बार नहीं मिलता, स्ट्रेस में क्या जीना है मुस्कुराते हुए जियो, इसी का नाम जिंदगी है। बोलो सीताराम, सीताराम साधु जी, सीताराम।
साधु जी बागेश्वराय नमः ओम हम हनुमते नमः ओम हम हनुमते नमः ओम सन्यासी देवाय नमः। मन ही मन प्रणाम कर लें बालाजी को, बीस भुजा वाली भैया को, श्री टेकरी सरकार हनुमान जी को, सूर्यमुखी बालाजी को, पूज्यपाद श्री सन्यासी बाबा को और अपने अपने बताई बाप के चरण। सन्यासी बाबा की एक दिन से बदलवा भगवान बागेश्वर बालाजी की अनुकंपा से लगे। उसके पूर्व हम आपको नियम बता दें, लहसुन प्याज मांस संग्रह बंद रखना है, जिनकी अर्जी लगे वो आ स्वागत, पर्चा को ध्यान पूर्वक पढ़े, पढ़े लिखे लोग बिल्कुल भी अंधविश्वास में ना पढ़े। आपने क्या पूछा है, पर्चे पर क्या लिखकर आया है, उसको ध्यान पूर्वक पढ़े, जो आप बोलेंगे वो पहले से ही पर्चे में लिखा होगा। तो हमारी क्षमता नहीं है तो जो हमने पर्चे में लिखा उसके तुम बाहर पूछो, ये तुम्हारी सामर्थ्यता नहीं है। जो हमारे हनुमान जी लिखवाएंगे तुम वही बोलोगे, लगाते रहना अपनी बुद्धि हाउ पॉसिबल ठकली के बारे में, लगाते रहना बुद्धि, बड़े बड़े बुद्धिमान, बड़े बड़े तार के, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े कैमरा, बड़ी बड़ी टीवी खोलवे आई पोल, हकीकत जानवे आई पर खुद पोल खोलो आते जाए सी नहीं। अरे भारत की छोड़ो, जो अंग्रेज दिन में रात हाउ डू यू करते थे वो भी सीताराम करते। जब हम पहली बार होते गए लंदन, जब गए तो पहले दिन तो हमें कोई पहचाने नहीं, हम बढ़िया, हम पहले दिन बड़े शौक शौक में तैयार है कि हम बाहर निकलेंगे, अंग्रेज हमें देखेंगे, हेलो हाय करेंगे। ये तो एक बहाना है, हमारा ध्येय तो है सब हनुमान जी के हो जाए। किसके हो जाए बोलो बोलो, बालाजी के हो जाओ। आज के बाद या तो तुम बालाजी को मानना छोड़ दो या बालाजी के ऊपर। अच्छा, कौन कौन हर समस्या का समाधान माना चाहेगा? हाँ बोला पक्का, जोर से बोला पक्का पक्का। बहुत भटक लिया हो, जगह जगह भटक लिया हो, ना समस्या का समाधान हो पाया हो, हाथ में नारियल लेना और जाकर कह देना बस बहुत हो गया, आज से तुम हमारे हो गए और हम तुम्हारे हो गए। पूछो उससे क्या होगा, पर्चा तो नहीं बनेगा, लेकिन जब जब संकट आएंगे बागेश्वर बालाजी की सेना संकट मोचक बनकर खड़ी नजर आएगी। तुम्हारे पास अगर संकट है तो हमारे हनुमान जी क्या है, संकट मोचन बाद समय कभी भक्ष लियो तब तीन हम लोग भयो कधयारो तारुस त्रास भयो जब कोई है संकट तारुस जातन तारो देवन आन करीब निधि तब छाण दियो कभी कष्ट निवारो को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन ना बाली की त्रास कभी से बसे के लिए जात महाप्रभु पंथ में हारो चौक की महामुनि श्राप दियो तब चाहिए कौन विचारो विचारो कौन सो संकट मोर गरीब को जो तुमसे नहीं जात रटारो। देहाती भूस थरता है सो लेकिन जैसे भी है हम भटकने नहीं देंगे। अब तुम्हें हम तांत्रिकों के चक्रों में अब तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं रहने देंगे, लेकिन एक प्रण तुम्हें लेना पड़ेगा, तुम्हें बागेश्वर धाम जाने की भी आवश्यकता नहीं, दो तीन महीने में भी आ जाना चलेगा, तुम्हारे घर के बगल में जो हनुमान जी है वो भी बागेश्वर धाम से कम नहीं है, लेकिन हनुमान जी के सामने जाया कर
सीता नाम हनुमान, सीता नाम इस कीर्तन को गाया करो, मन में राम नाम का जप किया करो। हमसे मिल नहीं पा रहे, परचा नहीं बन पा रहा, बहुत परेशान हो, पहला वचन तो हम ये देते हैं कि तुम्हें जरूर मिलेंगे, एक ना एक दिन। तो देर लगे तो क्या करें, हम भी इंसान नहीं है। आगे बोलो, अब हमारा भी बुढ़ापा सो आ हा? पहले तो खूब जवानी थी तो 18 घंटे बोलते थे, अब आगे बोलो बुढ़ापा सो आ, आंखें कहने लगती गुरु जी सो जा, पेट कहने लगता रसगुल्ला ले आ। तो हमारा प्रण है कि हमारे तन में जब तक प्राण रहेंगे तब तक हम मानव होकर मानव के काम आते रहेंगे, और हम तुम्हारा पीछा छोड़ने वाले नहीं है। तुम्हें अगर नहीं मिल पाओ तो मुंह फुला के घर चलेगा, हम तुम्हारी टीवी में संस्कार चैनल पे आ जाएंगे, और तुम उसमें देखना बंद कर दोगे, हम तुम्हारे मोबाइल में यूट्यूब में अपने आप प्ले हो जाएंगे, हम उसको भी देखना बंद कर दो कि पीछा छुड़वाओगे। अब हमने एक चीज और सीख ली, रील में घुस गया, उसको भी तुम देखना बंद कर दो कि तब भी हम तुम्हारा पीछा नहीं छोड़, तुम्हारे सपने में आ गई। उसके बाद तुम भी सुबह सुबह कहोगे चल मन मागे छोड़। लोग हमसे पूछते कि तुम इतनी मेहनत क्यों करो, क्या जरूरी, घर पे बैठो आराम से सीताराम जपो। हमने कहा हमें बालाजी ने अगर चुना है, उन्होंने अपनी शक्ति दी है, हम इस भारत को नाम मय बना करके ही दम लेंगे। नाम काज कीने बिन मोहि भाग श्याम, एक दिन ऐसा आएगा लोगों को मानना ही पड़ेगा कि भारत में रहना है तो सीता नाम कहना है, और हम नहीं मानेंगे चाहे जो हो जाए। बोलो सीता राम, साधु जी, ओ साधु जी, ओ साधु जी। इसलिए आप लोग हमसे मिलने के नाम पर, दरबार के नाम पर आयोजनकर्ताओं को किसी भी प्रकार का शुल्क फीस दक्षिणा ना दें, दरबार निःशुल्क था है, जब तक प्राण रहेंगे तब तक दरबार निःशुल्क रहेगा। और बाकी सुधान भारत का ऐसा दरबार है जहां आरजी निःशुल्क, रुकना निःशुल्क, दोनों टाइम भंडारा निःशुल्क, और भारत का पहला ऐसा दरबार है जहां की दान पेटियों से मंदिरों का निर्माण नहीं, हर साल वहां शिवरात्रि को गरीब बेटियों का विवाह करवाया जाता है। इस साल पुनः 8 मार्च को 2024 में 151 बेटियों का विवाह करवाया जाएगा, और उसमें हर बेटी को एक एक मोटरसाइकिल दी जाएगी। हनुमान जी ऐसी कृपा करेंगे, हमारी प्रार्थना है तुम भी, कौन कौन आएगा बताओ, हाँ पक्का, हाँ तो हाथ में से नहीं, पक्का, कम हेयर माइक दिया है, वेलकम, स्वागत है आपका, जरूर आना। हाँ, हमारे पास नहीं, बालाजी के पास। हमारा मानना है बागेश्वर बालाजी प्रकट इसीलिए हुए 300 साल पहले, जो कहते थे भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां नहीं होती, महात्मा पाखंडी होते हैं, धर्म धंधा होता है, ऐसे लोगन की ही ठटरी बार बेगिला ने बागेश्वर धाम को दरबार है। जो कहते शक्तियां नहीं होती, ये सब कपोल कल्पना है तुम्हारी ठटरी, आ जाओ जो हम गीलो ना कर देंगे तुम्हें, तो कहियो बोलो सीताराम। लेकिन हमें किसी को प्रमाण देने की जरूरत नहीं है ना, इन चक्रों में हमें पढ़ना है, टाइम बर्बाद होता है, अब तो हम बहुत सुधर गए, बहुत सीधे आदमी है, बहुत सुधर गए, पहले जरूर हम पहले बचपना था ना हमारे अंदर, हमें गुस्सा जल्दी आ जाए, अब तो हम बहुत गंभीर हो रहे हैं थोड़ा, अब तो हम समझ गए, हमें समझा दिया है लोगों ने, कह दिया गुरु जी आप तो वैसे हो गए, बोलो सीताराम। लो अब दरबार शुरू करें, मन में राम नाम का जप करो, जिन्हें बुलाए ध्यान पूर्वक सुना, जो कह दिया जाएगा, जो पर्चे पर लिख दिया जाएगा वो कटेगा नहीं, वो कटने वाला नहीं है, जो कह दिया तो समझो हो करके ही रहेगा। और एक बात, नियम का पालन करना जरूरी है और पेशी करना जरूरी है, मंगलवार की पेशी महीने में एक बार, दो महीने में एक बार, जब टाइम मिले तब करना, और बहुत जल्दी हम गुना में नीरज को आज्ञा देंगे सो कथा भी सुनाएंगे। हाँ।
जयंतर मांग लो तुम्हारा 20 भुजा वाली माता का जो संकल्प वो पूरा होगा। 20 भुजा वाली माता और हनुमान जी ने अगर चाहा तो तुमने बहुत अच्छी व्यवस्था की, हम बहुत प्रसन्न तुम्हारे ऊपर कि तुमने अपना खर्च करके लाखों लोगों को बालाजी से जोड़ने का काम किया, ये बहुत अच्छा है। एक बार में मिले क्या ऐसा करना चाहिए, ऐसा धर्म काम होते रहना चाहिए। और गुनाह के इतिहास में महाकुंभ लग गया है आज, क्यों पागलो लग गया बोलो पागलो साधु जी हंसा करो हंसाया करो, बागेश्वर धाम अपने बाप का घर है आया जाया करो। तो अब सुन आप बहुत देर हो ऐसे तो हम भगवान करे आप सबको सदबुद्धि बनी रहे। एक बार उनके लिए ताली बजाकर धन्यवाद।